हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पोरीफेरा के बारे में जैसे हम सब जानते ही हैं कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं जिनमें छेद पाए जाते हैं। एक तरह से पोर को हिंदी में छेद ही कहते हैं। और ये फाइलम मुझे सबसे इजी लगता है, लेकिन इसके नाम, इसके कॉमन नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो देखते हैं इस पोरीफेरा में कैसे क्वेश्चन दिए हैं। आई होप इजी से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से हार्ड लेवल के होंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु गे, एक मिनट या अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ही क्वेश्चन है कि सबसे पहले पोरीफेरा टर्म किसने दिया था, मतलब फाइलम पोरीफेरा किसने दिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लिननस, सेकंड है जिंजेनबर्ग, थर्ड है गोल्फस और फोर्थ है रॉबर्ट ग्रांट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म बट विदाउट टिश्यू। तो इसके अंदर हमारे पोरीफेरा आते हैं, और पूरा पोरीफेरा को हम क्या कहते हैं, स्पंजेस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनिमल नेचर ऑफ स्पंज वॉज इस्टेब्लिश बाय, मतलब किसने बताया था स्पंज के एनिमल नेचर को। तो इसका इसमें ऑप्शन है विल्सन या ट्रिम्बले या एलेस या गोल्फस। तो गोल्फस तो इसका आंसर नहीं है डेफिनेटली। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, विल्सन, ट्रिम्बले या सी, इन तीनों में से बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म पोरीफेरा मीन्स, मतलब पोरीफेरा का क्या मतलब होता है। तो अभी बताया पोर बियरिंग एलिमेंट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वैसे तो ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम पोरीफेरा डज नॉट इंक्लूड, मतलब पोरीफेरा के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना है। तो इसका ए है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बी है क्वेनोसाइट्स बियरिंग स्पंज, सी है एनिमल्स विद टिश्यू ग्रेड, या डी है फिक्स्ड एनिमल विदाउट लोकोमोशन। तो ऐसा नहीं है एनिमल, जो इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, एनिमल्स विद टिश्यू ग्रेड, इसमें टिश्यू ग्रेड नहीं होता। इसमें कौन सा ग्रेड होता है, इसमें ये टिश्यू ग्रेड का नहीं होता, ये होता है सेलुलर ग्रेड का। ठीक है, इसमें सेलुलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। नेक्स्ट है, ओके सॉरी, नेक्स्ट है, द स्पंजेस हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन कॉमन एक्सेप्ट, मतलब हमें इसमें गलत छाटना है कि ऑस्ट्रिया स्पंजोसील एंड ऑकुलम। तो हाँ, ये होता है स्पंजेस में। नेक्स्ट है, लार्वा फ्री स्विमिंग बट एडल्ट सेसाइल, ये भी सही है कि इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, पर जो अडल्ट होता है वो ससाइल हो जाता है। नेक्स्ट है, क्वेनोसाइट्स एंड कैनाल सिस्टम, हाँ तो इसमें तीन तरह के कैनाल सिस्टम भी पाए जाते हैं, एस्को टाइप, साइकॉन टाइप और एक और होता है, मैं नाम भूल गई, बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट है, डिप्लोब्लास्टिक एंड निमेटोसिस, तो यही वाला सही हो जाएगा कि ये फीचर नहीं है, कॉमन फीचर नहीं है डिप्लोब्लास्टिक एंड निमेटोसिस। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ स्पंजेस इज कॉल्ड, स्पंजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पूछा है इसमें। तो ए है प्रोटोजूलॉजी, बी है पैराजूलॉजी, सी है नेमाटोलॉजी या डी है हेलमिंथोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैराजूलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिटरी हाइपोथेटिकल एंड एंसेस्ट्रल स्टेज ऑफ स्पंजेस इज, मतलब सॉलिटरी हाइपोथेटिकल एंसेस्ट्रल स्टेज जो होती है स्पंजेस की, उसे हम क्या कहते हैं, रैगन है, ल्यूकन है,
हेलियंथस है या ओलेंथस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ओलेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वल स्टेज इज एक्टिव बट एडल्ट इज फिक्स्ड इन। अगेन ये ऑप्शन हमने ऊपर देखा था कि लार्वल स्टेज जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है और एडल्ट जो होता है हमारा वो सेसाइल होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इन स्पंजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर। अब फिर से कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, हमें पहचानना है। ए एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स, नहीं, फ्रेश वाटर के भी होते हैं स्पंजेस। बी एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल्स, नहीं, मैरीन भी होते हैं, तो फिर ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। सी है मोस्टली फ्रेश वाटर एनिमल बट फ्यू मैरीन एनिमल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मोस्टली मैरीन एनिमल बट फ्यू फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो इसका यही ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो पोरीफेरा होते हैं वो ज़्यादातर मैरीन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोहिल इज़ फाउंड इन। अब ये किस में पाया जाता है ये पूछा है हमसे। तो पहला ऑप्शन है पैराजोआ, दूसरा है टीरोफोरा, तीसरा है प्लैटीहेलमिंथ या डी एकाइनोडर्मेटा। तो इसका हो जाएगा ए पैराजोआ, क्योंकि पैराजोआ के अंदर कौन से आते हैं, पोरीफेरा। हाँ, पैराजोआ के अंदर पोरीफेरा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पंजेस आर मोनोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक या सूडोब्लास्टिक। तो जो स्पंजेस होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है या जर्मिनल लेयर होती है वो दो सेल्स की बनी होती है, मतलब दो सेल से ड्राइव होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 13 है, द इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटी इन द बॉडी स्पंज कंस्टिट्यूट, मतलब जो इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटी होती है वो किसकी बनी होती है स्पंजेस में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैनाल सिस्टम, क्योंकि जो कैनाल सिस्टम होती है इसमें जो तीन तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं उसी के थ्रू इनका जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है, मतलब ऑफ कोर्स मैरीन, मतलब मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो जो पानी बाहर से कम्युनिकेट करना रहता है, मतलब बाहर से इंट्रैक्शन करना रहता है, तो वो कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, चीज़ें बाहर के अंदर लेना और अंदर की बाहर जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस ऑब्जर्व एंड डिमोन्स्ट्रेटेड बाय, मतलब किसने रीजनरेशन वाली जो कैपेसिटी होती है स्पंजेस में या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसकी स्टडी किसने की थी, किसने इसके बारे में बताया था। तो ऑप्शन दिया है विल्सन ने बताया था, एरिस्टोटले ने बताया था, टिम्बले ने या ग्रांट ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विल्सन ने। और ग्रांट ने क्या बताया था, ग्रांट ने नेम दिया था पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा को पोरीफेरा नेम दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ मेटाजोआ विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। अगेन इसका सही आंसर हो जाएगा पैराजोआ। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ाई था कि ऑर्गन लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो दिया है उसके बेसिस पे एनिमल्स को पहले मेजर दो ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसमें प्रोटोजोआ है और मेटाजोआ है। फिर मेटाजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है सिलोम कैविटी के बेसिस पे और सेमेट्री के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पैराजोआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इसे देख लेते हैं ऊपर करके। स्पंजेस वर क्लासिफाइड विथ प्लांट टिल डिस्कवरी ऑफ, मतलब स्पंजेस को प्लांट एज अ प्लांट क्लासीफाई किया जाता था या प्लांट के साथ ही क्लासीफाई कर दिया जाता था, न्यू कैटेगरी नहीं बनाई गई थी कब तक। पहला स्पंजोसील की डिस्कवरी तक, दूसरा स्पाइक्यूल्स की डिस्कवरी तक, तीसरा ऑस्कुलम जो मैकेनिज्म और ऑस्कुलम जो पाया जाता है स्पंजेस में वो जब तक नहीं डिस्कवर किया था तब तक, या चौथा वाटर सर्कुलेशन थ्रू बॉडी। तो ये जब तक इनमें वाटर सर्कुलेशन की डिस्कवरी नहीं की थी कि इनकी इनमें वाटर सर्कुलेशन इनकी बॉडी के थ्रू होता है, तब तक इन्हें एज अ प्लांट ही माना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार्वल स्टेज ऑफ स्पंजेस इज, मतलब
स्पंजिस के लार्वल स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, हमें सही बताना है। पहला है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू एडल्ट, तीसरा है फिक्स, या चौथा है मल्टी कलर्ड। तो अभी हमने पढ़ा था लार्वल स्टेज जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है, और एडल्ट जो होता है वो सेसाइल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉर्फोलॉजिकली वो अलग होगा तभी ना, मतलब कि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते होंगे एडल्ट से, तभी वो फ्री स्विमिंग स्टेज में मतलब मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पोर बियरर एनिमल्स आर कैप्ट इन फाइलम विच आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मतलब कि अगेन स्पंजिस के बारे में ही बात की गई है। पोर बियरिंग से ही हमें पता चल जाएगा कि स्पंजिस के बारे में बात की गई है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं कि किस आधार पर इसे हमने पोरी फेरा में रखा है। पहला है आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, मतलब कि ये शायद रिपीटेड हुआ है। दूसरा है मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल, तीसरा है आर डिवॉइड ऑफ स्केल्टन, चौथा है आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर सेल्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, डी, आर प्रोवाइडेड विथ कॉलर सेल, ठीक है, इनमें कॉलर सेल भी होती है। ओके नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक, ए से डी हमें चार कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, और क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ देम, उनका सही सही पेयर हमें चूज करना है। ए है स्पंजेस, स्पंज आर मोस्टली मैरीन एंड जनरली असमेट्रिकल। बोला है कि जो स्पंजेस होते हैं ज़्यादातर मैरीन होते हैं और जनरली असमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। बी है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर विथ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। डी है क्वेनोसाइट्स आर ऑलवेज लाइन द स्पंजोसील एंड ऑस्ट्रियम, और चौथा दे रखा है डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है एंड सेक्सेस सेपरेट। तो इस इनमें से कौन सा पेयर सही हो जाएगा, मोस्टली मैरीन होते हैं हमने देखा था, और सेकंड क्या है, जनरली असमेट्रिकल। हाँ, तो स्पंजेस असमेट्रिकल भी होते हैं, इन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे मान लो ये बोरिंग स्पंज है तो हम इसे इक्वली नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है, इसकी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और तो ए हमारा सही हो जाएगा। ए किस में, किस किस में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है बी और डी, तो इसमें ए नहीं है, तो ए और सी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, बचा बी और डी। तो सी देख लेते हैं, एक में सी दिया है एक में बी दिया है, तो सी क्या दिया है, स्पंजोसील एंड ऑस्ट्रियम, और बी दिया है प्रिमेटिव मल्टी सेलुलर। हाँ, तो हम जानते हैं कि जो स्पंजेस होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन आंसर ऑप्शन हमारा सही बी हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे आगे जो क्वेश्चन है वो इस पोरीफेरा में मेवा में स्पंज क्या हो गया, ठीक है, आगे क्वेश्चन इसे कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड हैं और क्लासिफिकेशन पे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पंज, मतलब कौन से सेल है जो सिर्फ स्पंज में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप सबको ही पता होगा कि क्वेनोसाइट जो है वो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, सेक्स सेल में भी प्रेजेंट है और प्रेजेंट नहीं भी होते हैं, और इंटेस्टाइनल सेल्स टोटिपोटेंट सेल। तो इसमें मेन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, द टर्म ऑस्ट्रिया इज एसोसिएटेड विथ, अगेन पोरीफेरा से ही रिलेटेड है, इसी के थ्रू वाटर अंदर आता है स्पंज में। नेक्स्ट है जैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पंजेस इज हेल्पफुल इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जैम्यूल जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज प्राइमरी बेस्ड ऑन, तो में इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन होगा स्पाइक्यूल्स,
इसमें स्पाइकल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। मोनो टाइप का भी पाया जाता है जिसमें सिंगल होता है, फिर ट्राई टाइप का होता है, डाई टाइप का होता है, ट्राई में ऐसे ट्राइंगुलर होता है, टेट्रा टाइप का भी होता है, और कैसे होता है, डाई डाई जिसमें सिर्फ दो पाए जाते हैं, ठीक है, और एक ऐसे स्फेयर में भी पाया जाता है, मतलब तीन चार पाँच छः पांच पांच टाइप के तो शायद पाए ही जाते हैं। टाइप ऑफ स्पेकल्स पे एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का एक वीडियो डालूंगी मैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी कुछ है, जितना याद हो उतना अच्छा। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट अ नेम फॉर स्पंज स्पाइकल्स। तो एग्जॉन दे रखा है, मोनो एग्जॉन दिया है, टेट्रा एग्जॉन दिया है, ट्राई एग्जॉन। हाँ, तो मैंने अभी बताया था जैसे मोनो टाइप का पाया जाता है, ट्राई टाइप का, तो वही मोनो एग्जॉन, ट्राई एग्जॉन, लेकिन सिर्फ एग्जॉन उसका नाम नहीं है, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल स्पंजेस इज, इसका सही हो जाएगा सी, क्वेनोसाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पंजेस, मतलब सारे स्पंजेस में ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो स्पंजोसील सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉलर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगेन स्पंजेस का है, स्पंजेस आर कैरेक्टराइज बाय क्वेनोसाइट, कैनाल सिस्टम, ये तो दोनों ही होते हैं लगता है, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसमें ऑप्शन, ये रहा। नेक्स्ट है, वन एग्जिस्ट एंड न्यूमरस माउथलेट, वन एग्जिट एग्जिट है, ठीक है, मतलब एक 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 बाहर जाने के लिए होते हैं और बहुत सारे अंदर आने के लिए वो होते हैं, माउथलेट होते हैं, और डी है ऑल ऑफ द एबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन स्पंजेस, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेलुलर ग्रेड हो जाएगा। स्पंज इज अ फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर होता है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इन अ स्पंज करस्पॉन्ड टू माउथ ऑफ द ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर स्पंजेस में पाया जाता है जो माउथ का काम करता है, मतलब उसे हम कंपेयर कर सकते हैं एनिमल्स के माउथ से, तो इसका सही ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया से ही वो अपना फूड इनटेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस आर अगेन ससाइल होते हैं, ठीक है, अगर लार्वा पूछता तो हम फ्री स्विमिंग लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीबोसाइट आर फाउंड इन, तो पैराजोआ में पाया जाता है एमीबोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजेस हैव रेडियल सिमेट्री या असिमेट्री या बोथ ए एंड बी या डी बायलेटरल सिमेट्री, तो स्पंजेस जो है उसमें रेडियल सिमेट्री और असिमेट्री दोनों होते हैं, किसी किसी में रेडियल पाई जाती है पर वो बहुत कम है जिसमें रेडियल पाई जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 कौन सा, हाँ, फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेस आर कॉल्ड, तो वो सेल जो जिनमें फ्लैजिला होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है थीसोसाइट, पोरोसाइट, क्वेनोसाइट या पिनाकोसाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्वेनोसाइट, इनमें स्पंजेस पाए जाते हैं। देखो जैसे मान लो ये स्पंज है हमारा, इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, ठीक है, तो इनके जो यहाँ पे अंदर साइड जो ये सेल पाए जाते हैं क्वेनोसाइट, इनमें फ्लैजिला होता है, और ये जब फ्लैप करते हैं, मतलब इनमें जब ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है, उसी के थ्रू वाटर अंदर आता है और बाहर जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, डायग्राम बड़ी बेकार है, सॉरी। नेक्स्ट है, सेल्स विच क्रिएट वाटर करेंट एंड इंजेस्ट फूड इन स्पंजेस आर, तो अभी बताया मैंने इन्हीं की हेल्प से होता है, तो डी क्वेनोसाइट हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, द स्पंजोसील ऑफ एस्को, इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ मैं, मतलब मेरी आंखें खराब वैसे ही और अच्छी हैं और भी हो जाएंगी। हाँ, द स्पंजोसील ऑफ एस्कोनॉइड स्पंज इज लाइंड विथ, एस्कोनॉइड स्पंज, ओके, पोरोसाइट, एमीनोसाइट, एमीबोसाइट,
क्वेनोसाइट या स्पाइकल्स, तो इसका तो आसान से बता ही दोगे क्योंकि अभी वही टॉपिक ही चल रहा है, तो इसका क्वेनोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केल्टन ओ स्पाइक्यूल्स प्रोड्यूसिंग सेल्स इन स्पंजेस आर ए मायोसाइट, बी स्क्लेरोब्लास्ट, सी ऊस्टरोसाइट या डी क्वेनोसाइट। तो बोला स्केल्टन या स्पाइकल्स के स्पाइक्यूल्स को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स क्या होते हैं, तो स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं इसमें, ठीक है बी वाला सही हो जाएगा इसमें, स्क्लेरोब्लास्ट, इन्हीं से हमारा स्केल्टन या स्पाइकल्स फॉर्म होता है स्पंजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स रेज स्पाइकल्स आर फाउंड इन, तो ये एडवांस है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी यूप्लेक्टिला, ठीक है ये कुछ ऐसा होता है यूप्लेक्टिला, मुझे ये बड़ा पसंद है। बट इससे रिलेटेड जो है ना एक थ्योरी भी है कि जापान में जो है वो मैरिड कपल जो होते हैं, न्यूली मैरिड कपल, उन्हें ये एज अ गिफ्ट दिया जाता है, और ये सिंबल होता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है पूरी लाइफ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यार अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो बता सकते हो, वैसे पूछा जाएगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। ओके इसका कॉमन नेम भी है वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ये बास्केट की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता भी है, तो वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं इसे, तो अपनी शादी में ज़रूर दे देना या अपने किसी फ्रेंड की शादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोसाइट आर स्पेशल सेल्स फॉर द पासेज ऑफ, ए है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट विद इन बॉडी ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या पोरोसाइट के बारे में पूछा है ये क्या है, ये बी है स्वीट स्वीट अपॉन सरफेस ऑफ मेमेलियन इपिडर्मिल डर्मिस, सी है इनकमिंग वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज, या डी है आउटगोइंग वाटर करंट ऑन ऑन टॉप ऑफ स्पंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इनकमिंग वाटर करंट इन द बॉडी ऑफ स्पंज पोरोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सक्रेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, इसका सही आंसर आपको पता ही होगा स्पंजेस होते हैं जिसमें ना ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ना एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, ना सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है, मतलब स्पेशल ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता जो इसी के लिए बना हो, ठीक है क्योंकि ये सेलुलर ग्रेड का है, इसमें सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, तो इसमें ज़्यादा सेल्स का वर्क के बेसिस पे डिवीजन नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मतलब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे प्रैक्टिस करते रहो, और देखो प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि हमेशा नए नए टाइप के क्वेश्चन आते रहे और हम उन्हें सॉल्व करते रहें, या हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस का बस ये मतलब है कि हाँ हमने जो भी पहले पढ़ा है वो हमें याद है कि नहीं ये हम पता कर पाए, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो हमें क्वेश्चन से मिलती है उसे हम मतलब क्या बोलते हैं अपनी मेमोरी में एडजस्ट कर पाए, ठीक है एसिमुलेट कर पाए। तो बस मेन मेन पर्पस यही होता है क्वेश्चन पेपर लगाने का, या प्रीवियस ईयर लगाने का, या प्रैक्टिस सेट लगाने का, तो बाकी लगाते रहिए। वैसे भी क्या बोलने वाली थी मैं, खैर कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, टाटा।